आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन के बाद किस तरह का हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड, कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है ये टीम, कौन कौन से अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में दोबारा से करेगी टारगेट और कौन कौन से नए प्लेयर जो है ये टीम ला सकती है आईपीएल 2021 के लिए, बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को टारगेट करना चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आईपीएल 2021 के लिए, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की, तो हर साल इस टीम का जो स्क्वाड है उतना मजबूत हमें नजर नहीं आता, लेकिन परफॉर्मेंस इस टीम का कमाल कर रहता है। पिछले 4 साल से ये टीम जो है लगातार प्लेऑफ में जा रही है, 2016 का टाइटल भी इस टीम ने जो है वो जीता है। पिछले साल भी इन्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ये टीम जो है हमें प्लेऑफ में जाती हुई नजर आई। इन्होंने क्वालिफायर 2 भी जो है वो खेला था, जहां पर फाइनल से सिर्फ एक कदम ये टीम जो है वो दूर रह गई थी। ऐसे में दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन से पहले ये टीम अपने स्क्वाड को और भी ज्यादा मजबूत जो है वो बनाना चाहेगी आईपीएल 2021 के लिए, जहां पर ये टीम जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करेगी और बड़े बड़े खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है ऑक्शन में। चलिए दोस्तों स्क्वाड की इनकी बात करते हैं, किस तरह का इनका स्क्वाड जो है वो लग सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिटेन प्लेयर की, तो ये टीम दोस्तों 3 प्लेयर जो है वो रिटेन करने वाली है, जिनमें सबसे पहला नाम होगा इनके कप्तान डेविड वार्नर का, जो कि यहां पर फिर से हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दूसरा नाम होगा दोस्तों राशिद खान का, इन्हें भी ये टीम कंफर्म से रिटेन करेगी। और तीसरा नाम होगा मनीष पांडे का, ये भी हमें रिटेन होते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं बैट्समैन की, तो यहां पर ये टीम जो है जॉनी बेस्टो के ऊपर दोबारा से जो है वो बिड कर सकती है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जॉनी बेस्टो का यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए, और दोबारा से ये टीम इनके ऊपर ऑक्शन में जो है वो बिड कर वापिस ला सकती है। इनके अलावा रिद्धिमान साह को ये टीम वापिस ला सकती है, विकेट कीपर बैट्समैन, पिछले साल काफी अच्छा इन्होंने ओपन किया था डेविड वार्नर के साथ। इनके अलावा दोस्तों यंग बैट्समैन प्रियम गर्ग, अब्दुल समद को भी ये टीम जो है दोबारा से खरीद कर ला सकती है। हालांकि इस बार इन्हें बिड जो है वो थोड़ा ज्यादा करना होगा इन प्लेयर्स के लिए, ऑक्शन में इनके ऊपर बिडिंग होगी, लेकिन फिर भी ये टीम इन्हें दोबारा से जो है लेकर आ सकती है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा नाम जो होगा वो होगा केन विलियमसन का। केन विलियमसन को शायद ये टीम जो है वो रिटेन ना कर पाए, लेकिन ऑक्शन में ये टीम बहुत ही तगड़ी बिडिंग करेगी केन विलियमसन के ऊपर, ये चीज इन्होंने कंफर्म कर दिया है। और यहां पर अपने राइट टू मैच कार्ड का यानी कि आरटीएम कार्ड का जो यूज है केन विलियमसन के ऊपर कर सकती है ये टीम, अगर इनकी वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा निकल जाती है। तो केन विलियमसन के ऊपर निगाहें होंगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, और इन्हें ये जरूर से टारगेट करेंगी आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। इसके अलावा दोस्तों श्रीवत्स गोस्वामी और भवांका संदीप जैसे बैट्समैन के ऊपर ये टीम दोबारा से बिड करते हुए हमें नजर जो है वो शायद से ना आए। वहीं बात करें अगर ऑक्शन की, तो ऑक्शन में ये टीम एक इंडियन बैट्समैन के ऊपर बिड करते हुए नजर आ सकती है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर ये टीम बिड कर सकती है, जो कि एंड में आकर अच्छी पावर हिटिंग जो है वो कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले प्लेयर जो कि इस टीम के स्क्वाड में हमें नजर आएंगे वो होंगे दोस्तों जेसन होल्डर। ऑक्शन में इनके ऊपर तगड़ी बिडिंग ये टीम जो है वो करने वाली है, और जरूरत पड़ने पर ये टीम आरटीएम कार्ड का भी यूज जो है जेसन होल्डर के ऊपर कर सकती है। आईपीएल 2020 में एज अ रिप्लेसमेंट आए थे मिचेल मार्श के, लेकिन बहुत ही बढ़िया इनका रोल रहा था, बहुत ही बढ़िया इनका परफॉर्मेंस जो है वो रहा था। अगले प्लेयर होंगे दोस्तों मोहम्मद नबी, जिनके ऊपर ये टीम दोबारा से बिड करते हुए नजर आ सकती है। हालांकि मौके इन्हें नहीं मिलते सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये ऑलराउंडर है, ऐसे में ये टीम इन्हें जो है दोबारा से खरीद कर लेकर आ सकती है। वहीं बात करें दोस्तों अगले खिलाड़ी की, तो विजय शंकर के ऊपर भी ये टीम दोबारा से जो है वो बिड कर सकती है, लेकिन अगर बिडिंग लंबी चल जाती है तो विजय शंकर को शायद से ये टीम जो है वो जाने दे आईपीएल 2021 के लिए। वहीं दोस्तों बात करें अगले 2 खिलाड़ियों की, तो अभिषेक शर्मा और फैबियन एलन, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर ये टीम शायद से बिड करते हुए नजर ना आए। मिचेल मार्श को भी ये टीम दोबारा से जो है वो जाने दे सकती है, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट जेसन होल्डर ने काफी अच्छा जो है वो परफॉर्म किया था। वहीं दोस्तों बात करें अगर ऑक्शन की, तो ऑक्शन में ये टीम एक ऑलराउंडर के ऊपर बिड जो है वो जरूर से कर सकती है। अगर ये टीम विजय शंकर को नहीं खरीद पाती तो ऐसे में ये टीम किसी इंडियन ऑलराउंडर को ढूंढेगी, जैसे कि दोस्तों शिवम दुबे या फिर पवन नेगी जैसे। वहीं फॉरेनर ऑलराउंडर की अगर
बात करें तो अपने पुराने ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को ये टीम दोबारा से खरीद कर लेकर आ सकती है। शाकिब अल हसन जो कि पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए ही खेलते थे, पिछले साल बैन के कारण बाहर हुए, इस साल जब वापसी करेंगे तो दोबारा से हैदराबाद की टीम इनके ऊपर बिड जो है वो कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की, तो स्पिनर में सबसे पहले होंगे राशिद खान जिन्हें ये टीम दोबारा रिटेन करने वाली है और ये तो हमें कंफर्म हैदराबाद के लिए ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं जो दूसरे स्पिनर है वो है दोस्तों शहबाज नदीम को भी ये टीम दोबारा टारगेट करेगी, खरीद कर जो है वो ला सकती है। लेकिन अगर बिड इनके ऊपर काफी तगड़ी हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ये टीम किसी और स्पिनर के ऊपर जो है वो देख सकती है। अब एंड में दोस्तों बात करें अगर फास्ट बॉलर की, तो सबसे पहले फास्ट बॉलर होंगे भुवनेश्वर कुमार जिन्हें ये टीम दोबारा से खरीद कर जो है वो लेकर आएगी। वहीं आरटीएम कार्ड का भी यूज भुवनेश्वर कुमार के ऊपर कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दूसरे फास्ट बॉलर हमें नजर आएंगे टीन नटराजन को भी दोस्तों जरूर से ये टीम खरीद कर लेकर आएगी। कमाल का इनका आईपीएल 2020 का सीजन रहा था, अगर इनके ऊपर बिडिंग अच्छी हो जाती है तो ये टीम आरटीएम कार्ड का यूज इनके ऊपर भी जो है वो कर सकती है। वहीं दोस्तों खलील अहमद को भी दोबारा से ये टीम खरीद कर लेकर आ सकती है अगर अच्छे वैल्यू में मिल जाते हैं। इनके अलावा संदीप शर्मा को ये टीम कंफर्म से जो है वो खरीदने वाली है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में, वापस ये टीम जरूर लेकर आएगी। आईपीएल 2020 में कमाल का परफॉर्मेंस संदीप शर्मा का जो है वो रहा था और इनके ऊपर तगड़ी बिडिंग इस साल जो है वो करेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और अगर दोस्तों जरूरत पड़ती है तो इनके ऊपर आरटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो कर सकती है। तो अपने किसी एक फास्ट बॉलर या फिर किसी दो फास्ट बॉलर के ऊपर भी ये टीम अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, टी नटराजन हो या फिर हो संदीप शर्मा। इन तीनों ही खिलाड़ियों को दोबारा से जरूर खरीदेगी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। यहां पर दोस्तों ये टीम जो है सिद्धार्थ कौल, बासिल थम्पी और बिली स्टैनलेक जैसे प्लेयर्स को जाने दे सकती है, इनके ऊपर शायद से ये टीम बिडिंग करते हुए जो है वो नजर ना आए। वहीं बात करें अगर ऑक्शन की, तो ऑक्शन में ये टीम एक इंडियन फास्ट बॉलर और एक फॉरेनर फास्ट बॉलर इनको जो है खरीद कर लेकर आ सकती है। जहां पर इंडियन फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत ही बढ़िया नाम हो सकते हैं जिनको ये टीम लेकर आ सकती है। नवदीप सैनी एक बहुत ही बढ़िया पिक इस टीम के लिए हो सकते हैं अगर इनके रेडार में आ जाते हैं, अगर इनके पर्स वैल्यू में जो है वो आ जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें फॉरनर फास्ट बॉलर की, तो काफी सारे ऑप्शन इस मेगा ऑक्शन में जो है वो होने वाले हैं, जहां पर सबसे बड़े होंगे मिचेल स्टार्क। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनकी पर्स में उतना वैल्यू जो है वो ना हो कि ये मिचेल स्टार्क के ऊपर ज्यादा वैल्यू जो है वो लगा सके। ऐसे में ये टीम दोस्तों लॉकी फर्गसन, पैट कमिंस के ऊपर अच्छी बिडिंग नहीं होती तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। हेजलवुड जैसे फास्ट बॉलर को ये टीम जो है अपने स्क्वाड में लेकर आ सकती है। तो ये हो सकते हैं दोस्तों फास्ट बॉलर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के। वहीं पूरे स्क्वाड की हमने बात करी कि किस तरह का पूरा स्क्वाड सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर से पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।